हेलो दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं दिल्ली की सड़कों पे, कनॉट प्लेस की सड़कों पे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली कभी घूमने आए हैं और अगर आपने कनॉट प्लेस नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। चलिए, जिन लोगों ने नहीं देखा आज हम उनको दिखाते हैं कनॉट प्लेस। और कनॉट प्लेस में हमने स्टार्टिंग की अपनी सबसे फेवरेट जगह पे और जो काफ़ी अच्छी और रिलीजियस प्लेस है, वी कॉल्ड इट बंगला साहिब। बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे आपको बहुत शांति देखने को और महसूस करने को मिलेगी। तो हमने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, चलो पहले एक बार दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद अपने व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। एंट्री लेते हुए हमने यहाँ थोड़े से व्लॉग अपना बनाते हुए आगे चलते रहे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि बंगला साहिब में आप कैमरे से शूट नहीं कर सकते हैं, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी यहाँ पे सब मना होता है। बट स्टार्टिंग पॉइंट पे आप बना सकते हो, लाइक हम लोग जैसे बना रहे हैं। बंगला साहिब में आप अगर जाते हैं तो आपको सर पे, बंगला साहिब में नहीं, किसी भी गुरुद्वारे में अगर आप जाएंगे तो आपको सर पे कुछ ना कुछ वेयर करना होता है। तो मैं अपना स्टॉल साथ लेके आई थी, तो मैंने अपना ये स्टॉल अपने सर पे डाला और सीधा हम लोग चले गए अंदर। अंदर जाने के बाद हम लोगों को यहाँ पे आपको वीडियो नहीं बनाने को मिलेगी, लेकिन हमें परमिशन दे दी थी एक सिख जी ने, तो हमने यहाँ पे छोटा सा व्लॉग इनका ऐड किया, अपनी क्लिप एक बनाई और इसमें ऐड किया। अब इसके बाद आप लोगों ने भी कर लिए दर्शन, इसके बाद चलते हैं हम बाहर। बाहर आने के बाद यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मनाई है, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में वहाँ लिखा हुआ है, तो आप बहुत संभल के बनाए, जैसे हमने एक बार चुपके से बना ही लिया। ये है पूरा बंगला साहिब का व्यू, बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखने में। और इसके बाद हमारे ये चरण आपको देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि एक अंकल ने हमें मना ही कर दिया था वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बहुत भीड़ है, क्योंकि वीकेंड का टाइम ही है और यहाँ पे इनका कुछ प्रोटेस्ट या पता नहीं किस चीज़ के लिए ये लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, लेकिन इनका कुछ ना कुछ चल रहा था, आई डोंट नो। इसके बाद जब हम बंगला साहिब से बाहर निकले तो यहाँ पे सीपी में आपको मिल जाएगा ये एक फूड कॉर्नर, जो बंगला साहिब के काफ़ी पास में ही है, प्राचीन हनुमान मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। आप वहाँ जाके अगर आप कुछ खाकर नहीं आए हो घर से, तो यहाँ आप थोड़ा लंच ब्रेक या अपना ब्रेकफास्ट कुछ भी आप खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कचौड़ी समोसा ब्रेड पकोड़ा सब आपको मिलेगा। तो आप यहाँ जो चाहें वो खा सकते हैं, या तो लंच या फिर एज अ ब्रेकफास्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। स्नैक्स वगैरह भी यहाँ आपको आराम से मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ वीकेंड में आपको भीड़ तो देखने को मिलेगी ही। ये ख़त्म करते हुए अब हम यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, एनीवन गैसेस। अब हम उस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। उसका एग्जांपल है एक पीके मूवी, एनी गैसेस की कौन सी प्लेस होगी वो, इफ़ यस सो प्लीज़ कमेंट इट। सो अब हम आ गए हैं, कुछ लोगों को आइडिया लग गया होगा ये बोर्ड और ये सड़क देख के, जो लोग ऑलरेडी यहाँ विजिट कर चुके होंगे। तो चलिए, जिनको नहीं पता उनको ले चलती हूँ मैं अपने साथ, अगर आपने गैस नहीं कर पाया है चलो। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन सी प्लेस है। ये है अग्रसेन की बावली। ये काफ़ी अच्छी प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस है और ये सीपी से कम 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। हिस्टोरिकल है, काफ़ी अच्छी है। और ये मेरा एक नया आउटफिट जो मैंने इस ब्लॉग के लिए रेडी किया था, सो हाउ इट इज़ प्लीज़ कमेंट इट। ये देखिए इतने सुंदर, और यहाँ पे आपको इतने सारे लोग इसलिए दिख रहे हैं, इसमें से कुछ लोग जो हैं वो तो विजिटिंग के लिए गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ आके स्केचेस और पेंटिंग्स बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी सुंदर स्केचेस कर रखे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि हम स्कूटी से आए थे तो ऑटो से कैसे जा रहे हैं, और यहाँ आपको दिख रहे होंगे हमारे हाथों में कुछ पैसे, तो ये पैसे लेके हम, आप सोच रहे होंगे कि हम तो ये जा रहे हैं अपने, हमने हमारे खर्चे में व्लॉग में कम पड़ गए होंगे तो हमें ये इसकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो आगे बताती हूँ कि इन पैसों का हमने क्या किया। यहाँ पे हमारी, जब हम अग्रसेन की बावली से बाहर निकले तो हमारी स्कूटी को ये उठा के लेके आ चुके थे, तो इनसे स्कूटी छुड़वाने के लिए हमें ये पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो हम कैश लेके गए नहीं थे ज़्यादा, इसलिए हमें वहाँ एटीएम से कैश निकाल कर इनको देना पड़ा। अब वो वाली स्टोरी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इतना थोड़ा सा ट्विस्ट हमारी ब्लॉग में होना ही चाहिए। तो कम हो रहा था तो पुलिस वाले ने सोचा सो थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट इनकी उसमें ऐड कर दिया जाए, बट इवन दैट हमने स्कूटी अपनी छुड़ाई और चल दी अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अब ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन ये जो है, ये आपको सीपी में ही मिलेगी, ये पालिका मार्केट, जो आपको आसपास ही देखने को मिल जाएगा वहाँ पे सीपी में। यहाँ पे हम रिटर्न इसलिए आए क्योंकि ये मार्केट बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छी ट्रेंडी चीज़ें यहाँ मिल जाती है, और ये सीपी अगर आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल ही जाएगा। और फिर हमने किया ये सड़क क्रॉस, क्योंकि अब हम जा रहे थे
सेंट्रल पार्क की ओर, क्योंकि सेंट्रल पार्क दिल्ली का एक बहुत अच्छा पार्क है जो सीपी में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने अंडरग्राउंड से पार किया और ये चलते हुए हम पहुंच गए सेंट्रल दिल्ली पार्क। यहाँ आके मुझे एक चीज़ और पता चला कि कनॉट प्लेस को इन शॉर्ट बोला जाता है सीपी, जो कि फुल फॉर्म है कनॉट प्लेस। बट आफ्टर विजिटिंग दिस पार्क मुझे ऐसा लगता है कि इस कनॉट प्लेस या सीपी की फुल फॉर्म कपल प्लेस है, क्योंकि यहाँ अगर आप आओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कपल ही देखने को मिलेंगे। तो यू कैन से इट इज़ ऑल्सो अ कपल प्लेस। बट काफ़ी सुंदर था ये पार्क, आप चाहो तो इसमें विजिट कर सकते हो, बहुत सुंदर है। ये रात के टाइम इसका और अच्छा व्यू आता है। इसके बाद ये आप देख सकते हो पूरा व्यू यहाँ का, ये बहुत सुंदर ही दिख रहा था। चलिए हमने आगे गए और थोड़ा सा ही विजिट करने के बाद हम, ये पूरा व्यू है और सेम आपको अदर साइड देखने को मिलेगा। ये कवर अप करते हुए अब हम चल दिए आगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ सड़कें जो सेंट्रल पार्क की थी काफ़ी अच्छी भी लग रही थी, तो हमने कहा चलो अब थोड़ा सा जब आ ही गए हैं तो पूरा विजिट करके ही जाते हैं। अब ये मास्क मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए लगा लिया, क्योंकि मेरे को मास्क बहुत लगाना अच्छा लगता है। तो ये आप देख रहे होंगे ये सेंट्रल पार्क का पूरा व्यू, और मैंने कहा कि इस तरह से इसे कवर कर लो ताकि लोगों को देखने को मिल जाए, ताकि वो अपना प्लानिंग कर सके यहाँ पे विज़िट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुंदर है। आप अपने हस्बैंड वाइफ या कपल के साथ या फिर आप फ्रेंड्स के साथ आके भी यहाँ विज़िट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी फ्रेंड जोन भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सीपी की ये सबसे पहचान, जो हिस्टोरिकल टाइम में ब्रिटिश ने सीपी को इस्टेब्लिश किया था, तो हमने कहा चलो अब थोड़ा सीपी की इन वाइट वॉल्स के पास थोड़ा जाके विज़िट कर लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी लग्जीरियस लगती हैं और विज़िट करने के लिए भी काफ़ी अच्छी लगती हैं। बहुत से व्लॉग्स या बहुत से रील्स आपको देखने को मिलेंगी जो यहाँ पे बनाई जाती हैं, तो हमने कहा चलो ये भी अपने व्लॉग में ऐड कर लिया जाए, ताकि जिन लोगों को ना पता हो वो यहाँ आके अपनी वीडियो और फोटो शूट कर सके। तो यहाँ आके भी आपको बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि आपको एकदम लग्जोरियस लगेगा। यहाँ पे हमें मिले एक बच्चा जो हमें फ्लावर बेचने के लिए आया, और इसके डायलॉग माइंड ब्लोइंग, ये डायलॉग पता नहीं इन्हें कौन सिखाता है, लेकिन ये एकदम सटीक डायलॉग मारते हैं। ये डायलॉग आप सुन भी सकते हो। तो और ये बड़ा ईमानदार बच्चा था जो बोल रहा था कि नहीं, हमने कहा ठीक है तू पैसे ले ले, हमें नहीं चाहिए ये फ्लावर। तो इन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं, हम तो बिना उसके पैसे नहीं लेंगे, आप फ्लावर ले लो। फिर ये इस तरह से इन्होंने फिर किए कुछ क्वेश्चन उनसे, ताकि कि भाई ये कहाँ से क्यों कहता है कि मेरे घर में बहुत बड़ी टीवी लगी हुई है। तो ये आप पूरा सुन सकते हो यहाँ पे। चलिए ये आप एक बार सुन लीजिए, इसके बाद हम करते हैं कंटिन्यू। फाइनल डिसीजन पे ये बच्चा आने में हो रहा था कंफ्यूज, तो हमने इसको बहुत मनाया कि भाई तू पैसे ले ले, फ्लावर ले ले, क्योंकि फ्लावर का हमारे पास कुछ काम था नहीं। तो एट द एंड फिर ये बहुत सटीक तो था, हमने इसको समझाया भाई ले तू पैसे भी ले ले, फ्लावर भी ले ले, थोड़ा तेरा काम चल जाएगा, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं लूँगा, फिर भी चलिए अब इसका फाइनल डिसीजन हम देख लेते हैं कि क्या है इसका फाइनल डिसीजन। तो फाइनल डिसीजन में इसने पैसे और फ्लावर लिए और चल दिया ये। फिर हम दोबारा निकल गए अपनी डेस्टिनेशन की ओर। ये कुछ सीपी की सड़कें जो आप आराम से घूम सकते हो, विज़िट कर सकते हो। उसके बाद हम चले गए लोधी आर्ट डिज़ाइन में, जो काफ़ी अच्छा है। वॉल्स पे आपको काफ़ी रील्स में हमने देखा होगा, बहुत अच्छी अच्छी वॉल्स पे आर्ट बनी होती है, जो लोधी गार्डन के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप चाहो तो यहाँ प्रॉपर विज़िट करो, ताकि काफ़ी अच्छे व्यू आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फोटोग्राफी, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं या फोटो खिंचाना चाहते हैं काफ़ी अच्छी आर्ट में, तो आप यहाँ आ सकते हो, ये काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है। चलो थैंक यू सो मच।